राजनीति में बोल रहे हैं क्यों भाई? जब राजनीति वाले ओलंपिक में मेडल लेके आए नीरज चोपड़ा के घर जा सकते हैं, तो जब राजनीति वाले अच्छा काम करें तो हम उनके घर नहीं जा सकते हैं? हम उनके बारे में नहीं बोल सकते? ये सनातन धर्म हमारा परिवार है, और इस परिवार में अगर हमारा चाचा कोई अच्छा काम कर रहा है तो चाचा को मेडल देंगे, चाचा का नाम लेंगे। जो नाम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, प्रशासन अगर उनका ये धर्म के प्रति वो हमें सहमति दे रहे हैं तभी तो हम कर रहे हैं ना, तभी तो कर रहे हैं। इसीलिए धन्यवाद किया था। सिर्फ सड़कों नालियों बिल्डिंगों कम्युनिटी सेंटरों पर ना बुलाया करो, ये भी देखा करो जो को अगर आप मेरी शिद्दत से भक्ति को सुनते हो तो यूपी में फिर से भगवान रह रहे हैं, यूपी में फिर से हम भगवान रह रहे हैं। कथा का पहला दिन है और ये पहला दिन सुपर डुपर हिट जा रहा है, तो आने वाले दिन भी कथा के ऐसे ही जाएं। आप सभी 4 बजे से एक भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसे गांव में एक बूढ़ी मैया थी ना, बूढ़ी माई को कोई दवाई नहीं लगती थी, उसके बगल में एक डॉक्टर था, वो एक बुढ़िया सी बना के देता था, बुढ़िया माई ठीक हो जाती थी। क्यों? किसी ने पूछ लिया आप ऐसा क्या देते हो, बोले कुछ नहीं इसको फैम है, मैं तो चिन्नी की गोली देता हूँ ये ठीक हो जाती है। तो दुनिया को मैं कि हिंदू सो रहा है, हिंदू जागा बड़ा है सर। टुवाणा में सेंट मेरी स्कूल है, उन्होंने रामलीला का मजाक उड़ाया, हिंदू खड़े हो गए, सेंट मेरी सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया है। ज्यादा नहीं बस सजग रहो, घर के ऊपर झंडा लगा दो, जब पूरे मोहल्ले में झंडे लगे होंगे ना तो कोई दूसरे झंडे वाला मोहल्ले में आएगा ही नहीं, बोले करेंगे कह जाते हैं हम जिए